धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय चरणदास जी महंत, प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष सांसद दीपक बैज जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय अमरजीत भगत जी, माननीय शिव डहेरिया जी, माननीय मोहन मरकाम जी, बहन फूलो देवी जी, जिले के चारों सम्माननीय विधायक, प्रिय विनोद, प्रिय द्वारका जी, देवेंद्र बहादुर जी, किस्मत लाल जी, जिला पंचायत की सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष महोदया, सभी निगम मंडलों के सामान्य अध्यक्ष प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, सभी उपस्थित मंच पर जनप्रतिनिधि, एसीएस सुब्रत साहू जी, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कमलप्रीत जी सेक्रेटरी मैम, जिले के कलेक्टर, एसपी, सीईओ, डीएफओ, मेडिकल कॉलेज के डीन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, सभी अधिकारी उपस्थित, जिले के सम्माननीय नागरिक बंधुओं, आप सभी को जय जोहार। आज राहुल जी का, राजीव जी का जन्मदिवस, उसके उपलक्ष्य में हम सब उपस्थित हैं। एक दूर दृष्टि वाले देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री ने हमको एक रास्ता दिखाया, नए युग का रास्ता दिखाया, 21वीं सदी का रास्ता दिखाया। और वो सपने नहीं थे, वो विचार थे जिनको आज देश साकार कर रहा है। जब उन्होंने देश में डिजिटल क्रांति की बात की तो लोगों ने संसद का घेराव बैलगाड़ी से किया। राजीव जी की सोच आज हमारे देश को इसरो के माध्यम से चंद्रयान का प्रक्षेपण करके चंद्रमा की परिक्रमा लगाकर वहां ज्ञान अर्जित करने के लिए, वहां अनुसंधान करने के लिए दुनिया में आज तक जिस देश ने वो लक्ष्य हासिल नहीं किया, भारत न केवल दुनिया का वो चौथा देश बनने जा रहा है अपितु दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो इस प्रकार का अनुसंधान करेगा। ये काम, ये सोच राजीव जी की थी और वहां से जो देश आगे बढ़ा है, सभी के योगदान से, देश के नागरिकों के योगदान से हम यहां तक पहुंचे। वही राजीव जी हैं जिन्होंने युवा पीढ़ी में देश को आगे ले जाने की संभावना देखी। 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम करके मत का अधिकार दिया। आज हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं तो जिनको राजीव जी ने पहचाना, उनको मुख्यमंत्री जी ने युवा मितान योजना के माध्यम से, अनेकों रोजगार मूलक कार्यों के माध्यम से जोड़ के छत्तीसगढ़ में उसको करके दिखाया। पंचायती राज, राजीव जी का कहना था कि एक रुपया जब चलता है सरकार की तरफ से तो हमारे नागरिक को शायद उसका 16 पैसा 20 पैसा भी नहीं मिलता। उस बात को जान के समझ के
पंचायती राज की स्थापना को करके नियमित संविधान में तीसरी कड़ी जनप्रतिनिधित्व का संवैधानिक बना के राजीव जी ने जो काम शुरू किया था, आज भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बीच वाले जहां एक रुपया का 16 रुपया या 20 पैसा पहुंचता था, 16 पैसा या 20 पैसा पहुंचता था, आज 100% राशि बैंक से सीधे एक बटन दबाकर उनने आपके खातों में पहुंचा दी। तो ये जो राजीव जी की सोच थी, आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में अपने साथियों के साथ क्रियान्वित कर रहे हैं। इस मौके पर मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आप लोगों ने भी जिम्मेदारी निभाई और आपने सुनिश्चित किया कि जो हमारे मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, जो उनके साथी करना चाह रहे हैं, आपने उसको मैदान में लाके अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बातों को रखेंगे। आज उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उन्होंने समय दिया और आज भूमि पूजन किया। ये नया मेडिकल कॉलेज भी एक मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी के इलाज के लिए। इन बातों के साथ आप सभी का गहरा आभार, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़।